आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथम। पूरे विश्व में ब्रज की होली की एक अलग ही पहचान है। राधा कृष्ण के रूप में खेली जाने वाली होली ब्रज की शान मानी जाती है। पूरे ब्रज क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरीकों से होली खेलने की परंपरा रही है, लेकिन इन सभी होलियों का केंद्र राधा कृष्ण ही होते हैं। इन सभी के पीछे राधा कृष्ण की लीलाओं का पौराणिक महत्व होता है। बरसानी की प्रसिद्ध लठमार होली के बाद नंदगांव की होली होती है, जहां बरसाने से राधा रूपी गोपियां, जिन्हें भुरियारिन कहा जाता है, नंदगांव आती हैं, और कृष्ण रूपी ग्वाले, जिन्हें भुरियारे कहा जाता है, इनसे लठमार होली खेलती हैं। आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। के दौरान कृष्ण के ग्वाला रूपी हुरियारे अपने रसिया गीतों से गोपियों को छेड़ते हैं। अरे अपने बलम की से जो न सोवे, 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 यारन की चढ़ जाए ऊंची अटा, तेरे काली गटा, अरे काली गटा, काली गटा के मन में ऐसी ऐसी आवे, ऐसी आवे गोरी लंगो में आ जाए पटा, अपने बलम को दूनो न पीवे, यारन के पी जाए भट्टी मटा, गज मेरा काली घटा, अरे यारन के पी जाए कच्ची मटा, गज बिन तेरे ना काली घटा, अरे काली घटा रे काली घटा, गज बिन तेरे होली खेलने की यह परंपरा हजारों सालों से निरंतर चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस होली का आनंद लेने के लिए देवलोक से देवता भी अलग अलग रूप धारण कर नंदगांव की होली में शामिल हो जाते हैं। नंदगांव की होली को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु नंदगांव पहुंचकर होली का आनंद उठाते हैं। बरजोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। कृष्ण की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ये उत्सव सांव भागन लगते ही इतना मतलब मन में उत्साह होता है कि होली खेलने के लिए इतना होता है कि रातों को नींद भी नहीं। भगवान की परंपरा बड़ी वर्षों से चली आ रही है। श्री राधे राधे। आप कब से खेल रही हैं? मुझे 18 साल हो गए इसको खेलते खेलते, जब से मेरी शादी हुई है तभी से खेल रहे हैं। बड़ा आनंद आता है खेलने। ये जो हमारी लठमार होली है, सबसे पहले यह है जो हम इंटरव्यू देने से पहले एक बार नंद के लाला की जय बोलेंगे, आप सभी बोलेंगे, बोलो नंद के लाला की जय। और जो लठमार होली है इसमें राधा रानी का भी हमारी जो हाथ है, बोलो राधा रानी की जय। यह जो लठमार होली है ये रंगों का त्यौहार है, ये एक प्रेम का त्यौहार है जो हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और यह जो त्यौहार है कम से कम 5000 वर्ष पहले से मनता आ रहा है। तो हम जब छोटे छोटे से थे तभी से हम जाते हैं, जब हमने ढाल पकड़ना शुरू किया था तभी से हम ढाल पकड़ने जाते हैं। आज जो नंदगांव में ये होली मनाई जा रही है, कल बरसाना में थी 4 तारीख की, ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुरू होती है।
जो बरसाना में नौमी से अष्टमी को बुलावा आता है, और नौमी को बरसाना में होती है, दसवीं को नंदगांव में होती है। इस होली की तैयारी के लिए हम 3 महीने पहले अपना खाना पीना दूध दही घी से तैयारी करते हैं, और जो हमारी लेडीज हैं वो अपने डंडों पर तेल घी लगाती हैं जिससे उनके हाथ में छाले ना हो और डंडा भी ना टूटे। और एक प्रेम का त्यौहार है, अगर कोई बच्चा खेलता है तो उसको प्यार से उसमें डंडा मारते हैं, और अगर बड़ा खेलता है तो उसमें जोर से मारते हैं। और ये आज जो त्यौहार है ये कृष्ण भगवान की सखा के रूप में आ रहे हैं ससुराल में, जैसे वो बरसाना ससुराल था आज मायके में आ रहे हैं, तो एक कृष्ण भगवान के सखा के रूप में आते हैं, और जो हमारी ये राधा रानी के रूप में उन पर लाठियां बरसाती हैं। आज बारात का रूप है, आप जैसे बारात में सज धज के जाते हो ना, उसी प्रकार ये आज सज धज के हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं बरसाने में, तो बराती के रूप में जाते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं कि होरी खेलन आयो श्याम, आज यह रंग में बोर होरी, कि बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे होरी सब श्याम है, यहाँ पर जितनी भी ये गोपियाँ हैं इनको होरियारी बोलते हैं गोपियाँ, और जो आदमी होते हैं उनको होरियारे बोलते हैं, ये कृष्ण भगवान है, इनको कहते हैं कि आज छुप मत जाइयो श्याम, आज श्याम संग होरी खेलेंगे। आज कम से कम 15 मिनट तक सूर्य छिपता नहीं है, आज से अंग्रेजी में 25 दिसंबर को बड़ा दिन मानते हैं, पर हमारे इस चैत के महीने से हरियाली में फर्क आता है बसंत के महीने से, उसी प्रकार हमारे आज के दिन से दिन बड़ा होना शुरू होता है, क्योंकि यह जो कार्य है देसी हिसाब से चलते हैं, जो भगवान का राधा रानी का काम है, राधा रानी का कृष्ण भगवान के त्यौहार रंगों का त्यौहार है, और प्रेम भाव से, और प्रेम भाव से उसमें एक चीज़ और आपने विशेष देखी होगी, गालियों का बड़ा महत्व है, और ये गालियाँ तब से पड़ती हैं जब यहाँ कृष्ण भगवान थे, और सारे का हाल है और तो देख लेंगे, बड़े प्यार से बोलते हैं कि इसमें किसी माँ बहन की गाली ऐसी नहीं है। आपने अभी मंदिर में दर्शन किए होंगे तो ग्वाल वाले ये बोलते हैं बड़े प्यार से कि हम आपको ये रंग लगाना चाहते हैं, कि गोरी आप बाहर से बाहर तो निकलो गोरी, हम रंग गुलाल लगाने आए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी महिमा एक और है, 100 साल से लेकर 90 साल तक जो लेडीज हैं उनको हम भाभी बोलते हैं, अगर हम उनको ताई चाची कहेंगे वो हमको जब तो भाभी कहेंगे हमारे ढाल पे लाठियाँ मारेंगे, और अगर हम ताई चाची कहेंगे हमारी कमर पे पैरों पर लाठियाँ मारेंगे, उनको गुस्सा आता है, क्योंकि उस टाइम राधा रानी का और कृष्ण भगवान का स्वरूप है। तो यह हमारा होली का त्यौहार है, और सभी जो श्रद्धालु देखने आते हैं सभी से मेरा यही आग्रह है कि सभी प्रेम से त्यौहार मनाइए, और हर वर्ष आपको त्यौहार में नया ही अनुभव प्राप्त होगा। बोलो नंद के लाला की जय, बोलो राधा रानी की जय। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, के लिए इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।